हरि ओम श्री गणेशाय नमः श्री वेदपुरुषाय नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा शुभकार्ये सुसर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है कि हम विश्व के पहले श्री हनुमान चालीसा के ध्यान के केंद्र शांतम में हनुमान चालीसा के तीन अनूठे पाठ और भगवान हनुमान जी महाराज की पाठ आरती यहाँ इस शांतम के पाठ आरती प्रांगण में प्रतिदिन करते हैं। इस पाठ आरती के देश और विदेश में कई यजमान हैं जो किसी विशेष तिथि या विशेष अवसर पर इस पाठ आरती को अपने नाम से कराते हैं, विवाह की वर्षगांठ, अपने जन्मदिवस पर या कोई ख़ास अवसर पर इस पाठ आरती को देश और विदेश से कई लोग अपने नाम से कराते हैं। जिनके नाम से पाठ आरती होती है उनका संकल्प लिया जाता है, उनके नाम और उनके गोत्र का उच्चारण किया जाता है। आज के हमारे इस पाठ आरती के यजमान हैं पिपरिया से श्री सौरभ माहेश्वरी जी, उनकी बेटी वेबी पाखी, 3 दिसंबर शुक्रवार यानी कि आज उनका प्रथम जन्म दिवस है। हम हनुमान जी महाराज के चरणों में उनके लिए प्रार्थना करेंगे, मंगलमय कामना करेंगे। और आज की इस पाठ आरती को तीन अनूठे पाठ और हनुमान जी महाराज की इस पाठ आरती को उनके नाम से संपन्न करेंगे, उनका नाम उनके गुद का उच्चारण करेंगे। तो आइए सबसे पहले संकल्प लेंगे, इसके बाद तीन अनूठे पाठ करेंगे। 3 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः का उच्चारण करेंगे। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्नी तुतीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमनवंतरे अष्टविंशतितमे कलियुगे कली प्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यव्रतांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे पुण्य पवित्र क्षेत्रे उज्जैन्यां महानाम्नि नगरे महाकालवने हरसिद्धिपीठे शांतम आंगने शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ कर्णे यजमानस्य नाम्नि श्री सौरभ माहेश्वरी यजमानस्य नाम्नि पुत्री को हम बेबी पाखी यजमानस्य नाम्नि प्रथम जन्म दिवसस्य हनुमद्देवते। पहले चरण में हनुमान चालीसा से अग्नि पाठ करेंगे। अब इस पाठ को 5 विशेष बातों को मिलाकर करने वाले हैं। 5 विशेष बातें कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, गाय का घी, गाय के गोबर के बने कंडे, अग्नि, हनुमान चालीसा रूपी मंत्र और हमारी श्रद्धा। इन 5 दिव्य बातों को मिलाकर प्रज्वलित अग्नि में गाय के घी से आहुति देंगे। जब उससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो ध्वनि 200% पॉजिटिव होगी। हनुमान चालीसा में 43 पद हैं यानी कि 43 कॉपला एक्ट, 2 दोहे आरंभ में हैं, 40 चौपाइयाँ मध्य में और 1 दोहा अंत में। उसी दिव्य मंत्र से हम गाय के घी से अग्नि में आहुति देंगे। तो चलिए प्रारंभ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरणौ रघुवर विमल सुजोदायक फलचार स्वाहा बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार स्वाहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर स्वाहा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा स्वाहा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसौ सुरभूप स्वाहा। हनुमान चालीसा से अग्नि पाठ के पश्चात दूसरे चरण में हनुमान चालीसा से करेंगे श्वास पाठ। क्योंकि हमने अग्नि पाठ करके इस वातावरण में एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करी है, तो चलिए दूसरे चरण में इस पॉजिटिव एनर्जी को हमारी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, करेंगे श्वास पाठ। मैं इस पाठ को वाचिक रूप से बोलूँगा, आपको इसका मानसिक जप करना है। श्वास पाठ करेंगे प्रारंभ। आंखें बंद, कमर सीधी, पूरा ध्यान अपनी स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे। भीतर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बाहर बरणौ रघुवर विमल सुजोदायक फलचार भीतर बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बाहर बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार भीतर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्तु लोक उजागर बाहर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा।
बाहर तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा। भीतर पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, बाहर राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भू। आइए पाठार्थी के अंतिम चरण में हनुमान चालीसा से नाद पाठ, श्वास पाठ, अग्निपाठ के पश्चात अंतिम में हनुमान जी महाराज की आरती करेंगे। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिर बर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पोत्र महाबलदाई। अग्रपाल परिवार की ओर से हमने ये पाठार्थी करी। आइए हम अंत में भगवान हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, उनसे क्षमा याचना करेंगे। आवाहनम न जानामि तो अर्चनम, पूजाम क्षेव न जानामि क्षमताम परमेश्वर। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। तत्सद।